अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। सीबीआरआई रुड़की और आईआईटी मद्रास ने निर्माण कार्य शुरू किया है। श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए मिट्टी का परीक्षण शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर है, अच्छी खबर आपके लिए। श्री राम मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी ने मिट्टी का परीक्षण भी शुरू कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि 36 से 40 महीने में मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण प्राचीन पद्धति से किया जाएगा। किसी भी आपदा में सुरक्षित रहने वाला श्री राम मंदिर बनेगा। श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य में नहीं होगा लोहे का प्रयोग, लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य में। और जो मिट्टी है उसके परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 36 से 40 महीने में मंदिर पूरी तरह से तैयार और फिर गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला, जिसका इंतजार 500 सालों से किया गया। राम भक्तों के लिए एक और अच्छी खबर, भूमि पूजन के बाद अब कैसे मंदिर निर्माण की शुरुआत और ये काम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। और ये कहा जा रहा है कि डेडलाइन से पहले ही से करने की कोशिश की जाएगी। 36 से 40 महीने में ये काम पूरा होगा। विशाल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। विशाल, धीरे धीरे वो घड़ी नजदीक आ ही जाएगी जिसका इंतजार था, और अब खुशखबरी ये कि निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, शुरू हो गया है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था उसके बाद से ही लगातार काम की शुरुआत हो चुकी थी और आज जो मिट्टी है उसके परीक्षण के कार्य की शुरुआत हो चुकी है। इनमें एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। इसके अलावा जिस कंपनी को पूरी जिम्मेदारी दी गई है राम मंदिर निर्माण के लिए, उसके साथ लगातार इंजीनियर्स हैं और जो एक्सपर्ट हैं वो बैठक कर रहे हैं और मिट्टी परीक्षण का काम कर रहे हैं। दरअसल इसी के साथ नींव की शुरुआत होगी। नींव कितनी मजबूत रखी जानी है, कितनी गहरी रखी जानी है, ये तमाम चीजें इसी से तय होंगी। इसीलिए मिट्टी का परीक्षण किया जा रहा है और इसी तरह से 36 से 40 महीने का लक्ष्य रखा गया है, यानी 3 से 3.5 साल के वक्त में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसी तैयारी यहाँ पर ट्रस्ट की तरफ से की जा रही है और ये खुशखबरी ये है कि अब काम को तेजी देने पर विचार किया जा रहा है। लगातार मीटिंग्स की जा रही हैं और जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए, इस पर सबसे ज्यादा फोकस है। विशाल, सबसे बड़ी बात यह कि मंदिर निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये अपने आप में आर्किटेक्ट का एक अद्भुत नमूना भी होगा और ये शोध का विषय भी होगा। और सबसे बड़ी बात कि मंदिर निर्माण होते हुए लोग देखेंगे, भक्त देखेंगे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण नागर शैली पर आधारित होगा। नागर शैली से ये पूरा राम मंदिर बनकर तैयार किया जाएगा। इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा, न्यू पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा 2-3 ऐसे पॉइंट अयोध्या में तैयार किए जा रहे हैं जहां से राम मंदिर के निर्माण कार्य को जो श्रद्धालु हैं या जो अयोध्या जाकर देखना चाहते हैं वो दूर से देख सके कि कैसे राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि इसके पत्थर विशेष रूप से तैयार किए गए हैं, 1000 वर्ष का लक्ष्य रखा गया है पत्थरों की आयु रहे ताकि मंदिर पर कोई असर ना पड़े किसी प्रकार से। और उन पत्थरों को कैसे सेट किया जाएगा, कैसे एक से एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, क्योंकि हर एक पत्थर पर एक विशेष नंबरिंग की गई है ताकि इसे बनाते वक्त, इसे लगाते वक्त कोई दिक्कत ना हो। और एक और खुशखबरी यह है पयोधी की, पहली मंजिल के जितने पत्थर हैं वो तराशे जा चुके हैं, अब उन्हें सिर्फ सेट करना बाकी है। और क्योंकि जब मिट्टी परीक्षण का काम शुरू हो चुका है, न्यू का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा और उसके बाद पहली मंजिल पर सबसे पहले काम शुरू किया जाएगा। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ, जो जानकारी आप दे रहे हैं वो वाकई अच्छी खबर है और राम भक्तों के लिए ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक अपडेट जी न्यूज़ ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। लेकिन निर्माण कार्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। अपने परिश्रम, अपनी संकल्प शक्ति से एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। विशाल, 36 से 40 महीने में टारगेट किया गया है कि डेडलाइन रखी गई है कि 36 से 40 महीने में निर्माण कार्य पूरा हो जाए।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि 3.5 से 4 साल का वक्त पहले रखा गया था, अब जब 36 से 40 महीने की जानकारी ट्रस्ट की तरफ से दी गई, यानी लगभग ये 3 से 3.5 साल के वक्त में बनाकर तैयार कर दिया जाएगा राम मंदिर, इस तरह की तैयारी है। लेकिन एक बात और है, क्योंकि जो पहली मंजिल है जहाँ पर गर्भगृह, जहाँ पर रामलला विराजमान रहेंगे, उसके पत्थर पूरी तरह से तराशे जा चुके हैं, वो आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर बनकर तैयार हो सकता है। बाकी जो दो अन्य मंजिल है उसमें भले और टाइम लगे, क्योंकि पूरा राम मंदिर का परिसर विकसित करना है 67 एकड़ एरिया में, तो उसमें थोड़ा समय और लग सकता है। लेकिन जो मूल मंदिर है जिसको लेकर अब तक विवाद था, जिस जगह को लेकर, गर्भगृह को लेकर, उसको ये उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 1 से 1.5 साल में बना लिया जाएगा, बाकी पूरा मंदिर का परिसर 3 से 3.5 साल में बनाकर तैयार किया जाएगा। तो राम भक्तों के लिए एक ये बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। पायुदी, पत्थरों को तराशने का काम लगभग पूरा हो चुका है और मिट्टी का परीक्षण किया जा रहा है, तो इससे अच्छी खबर राम भक्तों के लिए कुछ नहीं हो सकती, मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई। धन्यवाद आपका विशाल, आपसे हर एक जानकारी तस्वीरों के साथ हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर है जो आपको जाननी चाहिए। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण पर दिल्ली में जो अहम बैठक हो रही थी ना, वो खत्म हो गई है। बैठक में श्री राम मंदिर निर्माण से जुड़े पदाधिकारी शामिल रहे। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने, बैठक के निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में समिति के अधिकारी और कई वास्तुशास्त्री भी मौजूद रहे, ताकि उसके वास्तु को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि कोई कमी नहीं रखी जाएगी, और इसलिए कई बार इसके मॉडल में बदलाव भी किया गया। बहुत अच्छा परिसर होगा, बहुत अच्छा होगा, आध्यात्मिक होगा, आधुनिक नहीं, पर्यटन केंद्र नहीं होगा, वो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। तो भी ग्राउंड फ्लोर पर हो सकता है 170 या 180 190 कॉलम होंगे। 1000 साल आयु मंदिर की कम से कम होनी चाहिए, होगी। मंदिर कब खुलेगा? तीन वर्ष में 2-4 महीने और जोड़ दो। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। ब्रह्म प्रकाश, 3 वर्ष में 2-4 महीने और जोड़ दो, इससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा। और अभी अयोध्या से अपडेट हमने ली कि मिट्टी का परीक्षण हो रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिल्ली से यहाँ की जानकारी दे दूं, क्योंकि बीते 2 घंटे से बैठक चल रही थी नेहरू मेमोरियल में, जहां पर मैं मौजूद हूं, और इसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और इसके अलावा नृपेंद्र मिश्रा और आर्किटेक्ट जो हैं इससे जुड़े हुए तमाम लोग बैठक में मौजूद रहे और चर्चा की गई। एनबीसीसी के पूर्व जो चेयरमैन हैं वो भी इस बैठक में आए हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले बैठक खत्म हुई, उन्होंने बताया हमें कि बैठक में विस्तृत चर्चा की गई कि आखिर, चूंकि बहुत बड़ा काम है ये, तो हर स्तर पर इसकी चर्चा की जा रही है कि कैसे काम को आगे बढ़ाया जाए। तो आज आर्किटेक्ट ने और जो इससे जुड़े तमाम लोग हैं उन सबसे चर्चा हुई। कल चंपत राय ने जो ब्यौरा बताया था कि इसमें पूरी व्यवस्था है कि जो व्यक्ति सामग्री का योगदान करना चाहते हैं उनके लिए कहा गया है कि कॉपर कई रॉड जो निर्धारित ट्रस्ट ने निर्धारित की है, जिसकी डिजाइन उस निर्धारित मात्रा में कॉपर की रॉड नाम पता लिखकर भेज सकते हैं, लोग योगदान कर सकते हैं। हाँ। या फिर कॉपर की पत्ती, वो ये दोनों मंदिर में लगनी है, लोहे का कहीं इस्तेमाल नहीं होना है। अभी जो बैठक हो रही थी उसमें इस पर पूरी चर्चा की गई कि आगे किस किस तरह से काम को आगे बढ़ाया जाए। पहले मंदिर से जुड़ा 4 से 5 एकड़ का जो एरिया है, जहां पर मुख्य जो है रामलला का मुख्य मंदिर होगा, उसको डेवलप किया जाएगा, उसका पूरा निर्माण किया जाएगा। इसके बाद जो बाकी की जमीन है उसमें तमाम चीजें, जिसमें संग्रहालय होगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी, तो उनको डेवलप किया जाएगा। तो इस पर विस्तृत मंथन हुआ है, बैठक थोड़ी देर पहले खत्म हो गई है, और अभी बैठक के बाद नृपेंद्र मिश्रा निकलेंगे और चंपत राय निकलेंगे, तो कुछ और जानकारी मिलेगी कि आखिर आगे किस तरह से जो ट्रस्ट है वो बढ़ रहा है मंदिर निर्माण की दिशा में। ब्रह्म प्रकाश, बैठक का खत्म हो जाना और साथ ही मंदिर का निर्माण शुरू हो जाना, कि जो और भी थोड़ी शंकाएं थी जिन पर चर्चा होनी थी या जो काम को लेकर लंबित थी कुछ चीजें, उस पर स्वाभाविक तौर पर इस बैठक में चर्चा हुई होगी। अब किसी भी प्रकार की कोई देरी, कोई कमी, कोई विलंब ना हो निर्माण कार्य में, ये सुनिश्चित करना इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। बिल्कुल, देखिए जो अभी एक्सपर्ट्स बैठक से निकले थे उन्होंने ये बताया हमें कि ये चूंकि बहुत बड़ा
काम है और बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। लिहाजा अगर मलबा हटा है तो मलबा हटाने के बाद पहले क्या क्या किया जाना है, उसके बाद क्या क्या होगा, तो इस लिहाज से वो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये आगे भी बैठक हर स्तर पर होगी, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यही वजह है कि बारीकी से हर चीज का कैलकुलेशन किया जा रहा है, उस पर विस्तृत राय ली जा रही है, उस पर चर्चा की जा रही है और उसी तरह से आगे बढ़ा जाएगा। और आज भी जो मंथन हुआ, जैसे बताया गया कि डिजाइन को लेकर भी आज चर्चा हुई, डिजाइन पहले से तय है लेकिन और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे आगे बढ़ाया जाए ना, तो डिजाइन तो को लेकर कुल मिलाकर ब्रह्म प्रकाश दुबे 3 महीने और 2-4 महीने आप और जोड़ दीजिए, जैसा कि चंपत राय कह रहे थे, इससे ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, बस इतना इंतजार करना होगा और इंतजार खुशी वाला इंतजार हो गया है, क्योंकि हर एक जानकारी तो जी न्यूज तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा ही रहा है। धन्यवाद आपका इस सारी अपडेट के लिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री अयोध्या गए थे उन्होंने क्या कहा था, आपको सुनना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है न राम सदस्य राजा पृथ्व्याम नीतिवान अभूत, यानी कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम के जैसा नीतिवान शासक कभी हुआ ही नहीं। श्री राम की शिक्षा है नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी दुखी न हो गरीब न हो। श्री राम का सामाजिक संदेश है पहुष्ट नर नारी कह समाज उत्सव शोभित, नर नारी सभी समान रूप से सुखी हो, भेदभाव नहीं। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां हमारे राम प्रेरणा न देते हो, भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हो। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।